हाई ब्यूटिफुल फ्रेंड्स दिस इज मैन्यू आपका मेरे यूट्यूब चैनल Keep ग्रोइंग With Manu में बहुत बहुत स्वागत है uh, क्या आपको पता है कि जो हमारी मैंस्ट्रेशन साइकिल होती है ट्वेंटी एट डेज़ की जो मंथली ब्लीडिंग होती है जो मासिक धर्म होता है लाइक ट्वेंटी एट डेज़ की जो साइकिल होती है ये हम इसको अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो अगर आप मेल हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपकी जो भी लाइफ में फीमेल हैं आपकी पार्टनर आपकी मदर आपकी डॉटर आपकी, आपकी, आपकी सिस्टर आपको उनको समझने में हेल्प हो होगी, उनके मूड्स को समझने में हेल्प होगी तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं और अगर आप फीमेल हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको इस वीडियो से बहुत लाभ होगा अपने बारे में जानकारी हासिल होगी तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि आप इसको अपनी साइकिल को कैसे अपने को समझने में यूज़ कर सकते हैं इस आ, हमको थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स थोड़ा सा साइंस में जाना पड़ेगा तो आई प्रॉमिस कि एंड में आपको अच्छे से बताऊंगी लेकिन उसके लिए आपको डेज़ को समझना पड़ेगा जो हमारी ट्वेंटी एट डेज़ की साइकिल है उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा चार पार्ट्स में और उसके लिए मैंने एक स्लाइड शो बनाया है तो उसको हम शेयर करते हैं लेट्स बिगिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल की विजडम को समझने के लिए आइए पहले हम मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल है उसकी हिस्ट्री जान लेते हैं जो हमारी जो मैंस्ट्रेशन साइकिल होती है वो ट्वेंटी एट टू ट्वेंटी नाइन डेज की होती है तो हमारी हिस्ट्री जो है जो पुराने जो सम कल्चर्स थे उसमें जब वीमेन ब्लीड करती थी जब ब्लीडिंग टाइम हुआ करता था तो उसको बहुत ही पवित्र माना जाता था माना जाता था वुमेन को इस टाइम पे बहुत पावरफुल माना जाता था और उस समय माना जाता था कि इस समय जो उनको उनकी जो हीलिंग पावर है वो बढ़ जाती है इस समय वो अपने को और सोसाइटी को हील कर सकती हैं तो उनको उस समय बहुत ही पावरफुल माना जाता था तो क्या किया जाता था कि उनको क्योंकि उस समय इस टाइम को बहुत ही प्रेशियस माना जाता था बहुत ही कीमती माना जाता था और इस टाइम को वो वेस्ट नहीं करना चाहते थे तो वुमेन को अलग कर दिया जाता था जो डेली हाउस होल्ड चोर्स होती थी उसको उनसे निजात दे दिया जाता था उनसे कहा जाता था कि वो अलग कमरे में चले जाएँ या अलग कैंप में उस समय रेड कैंप्स होते थे कई कल्चर्स में तो उसमें चले जाएं और उसमें वो जाकर आ, मतलब अपने साथ टाइम स्पेंड करें वो अपने अंदर में ज़्यादा फोकस करें और उनसे कहा जाता था कि वो मेडिटेट करें इस समय और जो भी इस समय उनको डिवाइन से सोर्स से जो भी मैसेज़ मिल रहे हैं जो भी विजन्स आ रही हैं या जो भी ड्रीम्स आ रही हैं उससे उसको वो शेयर करें और जिससे कि वो जो सोसाइटी है जो ट्राइब है या फिर उनकी अपग्रेड उनको उनको वो अपग्रेड किया जा सके तो इस टाइम को बहुत ही प्रेशियस माना जाता था माना जाता था उनकी जो इंट्यूटिव नोइंग है इंट्यूटिव पावर है वो काफ़ी बढ़ जाती है तो फिर क्या हुआ कि जब पेट्री आर के सिस्टम आया सबसे पहले आपको बताऊँगी पेट्री आर के सिस्टम क्या है कि पेट्री सिस्टम में जो एल्डस मेल है फैमिली का या ट्राइब का वो हेड होता है और पीटीआर के सिस्टम में मैस्कुलिन को मोर वैल्यू दी जाती है फीमेल के कंपेयर uh, में कि मैस्कुलिन इज़ कंसिडर मैन इज़ कंसिडर्ड सुपीरियर टू women तो यहाँ पे सॉरी मैं किसी के बायस नहीं बोल रही हूँ कि मैं नहीं कह रही हूँ कि एक या दूसरे में कोई अंतर है या कोई बड़ा है सोसाइटी अगर हमें लेके चलनी है तो हमको इसको बैलेंस लेके ही चलना पड़ेगा तो लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि patriarchy system सिस्टम क्या है और जब ये पेट्रीआर की सिस्टम आया सिंस की जो मैंस्ट्रेटिंग जो वीमेन मैं थी उनको बहुत ही पावरफुल माना जाता था तो इस सिस्टम में मैं समझने लगे कि जो वीमेन है दे आर डेंजरस टू मैंस पावर उनको इन उनको इनसे खतरा हो सकता है तो उन्होंने क्या किया कि मैंस्ट्रेशन को एक टैबू बना दिया और जो ये जो मैंस्ट्रेटिंग वुमेन थी जो ब्लीडिंग वुमेन है उनको अनक्लीन और इम्प्योर घोषित कर दिया सम कल्चर्स में आपको ये देखने को मिलेगा तो अभी प्रेजेंट में क्या है कि आपको मिक्स व्यूज़ देखने को मिलेंगे हर जगह इवन आप इंडिया असम या बंगाल में ही देखें जो लोग शक्तिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग इस टाइम को जब गॉडेस मैंस्ट्रेट करती हैं मंदिर बंद कर देते हैं इस टाइम को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन वहीं आप दूसरी जगह दूसरी तरफ देखें कुछ पार्ट में इंडिया के ही जो लेडीज़ हैं उनको टेंपल में किचन में एंट्री बैन है इस टाइम पे उनको अनक्लीन माना जाता है उनको अपवित्र माना जाता है तो अभी भी प्रेजेंट में भी मिक्स ही व्यूज़ हैं तो लेकिन प्लीज़ ये मतलब ये जा समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जो मैंस्ट्रेशन है वो कोई डिसीज़ नहीं है ये एक हमारी बॉडी का फीमेल बॉडी का बायोलॉजिकल प्रोसेस है तो आपको कभी भी कोई भी आ, ऐसा आपको मिले जिसको इसके बारे में क्लियर नहीं है तो उसको प्लीज़ आप क्लैरिफाई करें तो अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ कि हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल को कैसे मतलब जो ट्वेंटी एट डेज़ की साइकिल है उसको कैसे चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं तो तो ये जो है कि और ये जो हमारे 28 एट डेज़ हैं इसमें हमारा जो इनर गाइडेंस सिस्टम है जो हमारी जो इमोशंस हैं जो बॉडी है वो में डिफरेंट इमोशंस हम फील करते हैं एंड हर फेज़ में हम डिफरेंट फील करते हैं हमारी जो साइकिल है ट्वेंटी एट डेज़ में जो हमारा जब एग मतलब नया आता है और जब अगर वो फर्टिलाइज़ नहीं होता है बॉडी उसे रिलीज़ करती है जो पूरा ट्वेंटी एट डेज़ की साइकिल है इसमें हम डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट विजडम रिसीव करते हैं तो पहले अगर हम ट्वेंटी डेज 28 ट्वेंटी एट डेज़ को अगर हम चार भागों में बांटें तो पहला भाग है मैस्ट्रोशन जबकि हम ब्लीड करते हैं तो ब्लीड कई वीमेन लाइक वन टू टू डेज करती हैं कई थ्री डेज कई फ़ाइव डेज कभी कई एट डेज तो जो भी आपका ब्लीडिंग डेज है उसको आप कंसिडर कर लें वो आपका फर्स्ट पा, पार्ट है और उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो है ब्लीडिंग के बाद का टाइम इसे है फॉलिकुलर फ़ेज़ फॉलिकुलर फ़ेज़ आपकी की जो ऑन एवरेज हम मान के चले तो सिक्स टू फोर्टीन डेज हम ले सकते हैं तो जैसे आपकी जो साइकिल है अगर आपका जो ब्लीडिंग है वो डे फाइव पे एंड हो गई तो उसके बाद का जो दिन है डे सिक्स टू फोर्टीन तक वो आपकी फॉलिकुलर फ़ेज़ हो गई और डे जो थर्ड फेज़ है वो है एवोलूशन एवोलूशन में जब हमारी बॉडी जो है वो एग रिलीज़ करती है तो ये डे फोरटीन है तो और जो फोर्थ है वो लूटियल फेज़ है और वो है डे फोटीन जो एवोल्यूशन के बाद की फेज़ है वो है लूटियल फेज़ तो हम हम ईच फेज़ को विजुअल देखते हैं कि ईच फेज वो हमें आसानी होगी तो ये हम मैंने आपके लिए विजुअल बनाया है तो हम मैंने एक तरफ़ आपका परसेंटेज ऑफ आप एनर्जी रखा है कि आपकी एनर्जी कैसे आप फील करते हो सॉरी थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म्स है लेकिन आप इसको समझेंगे तो आपको अपने को समझने में बहुत हेल्प होगी और स मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन पहले पता होती तो आई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे चार मैंने इसको चार कलर्स में कर दिया है तो ये जो आपका ब्लीडिंग है ये रेड है वो ब्लीडिंग है और ये एक साइड में मैंने का, मैंने आपका परसेंटेज ऑफ आप एनर्जी रखा है दूसरे टाइम सब मतलब दूसरे जो नीचे वाला है वो वहाँ पर डेज रखा है देखिए टू टू, टू ट्वेंटी एट डेज़ और ये जो ब्लू लाइन है हमारी ये जो जा रही है ये हमारी एनर्जी शो करेगी कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी है हमारे इमोशंस हैं वो कैसे जाते हैं तो ये जैसे हमारी वन टू फोर डेज और फाइव डेज जो भी आपका ब्लीडिंग है ये हमारी मैंस्ट्रेशन साइकिल है और उसके बाद की जो पिंक वाली है ये हमारी फॉलिकुलर फ़ेज़ है तो डे फोर्टीन तक हमारी फॉलिकुलर फ़ेज़ चलती है जिसमें कि एग ग्रो होता है और हमारी जैसे जैसे हमारा एग जो बॉडी में एग ग्रो हो रहा है वैसे ही एनर्जी भी ग्रो होती है और हमारा जो फोकस होता है फॉलिकुलर फ़ेज़ में वो आउटवर्ड होता है मटेरियल वर्ल्ड में आउटसाइड की तरफ ज़्यादा होता है और जो एवोल्यूशन फेज है ये हमारी ग्रीन है ये एवोल्यूशन फेज़ है ये डे फोटीन है और जब हमारा एग मैच्योर हो जाता है हमारी बॉडी उसे ओवरी से फैलोपिन ट्यूब में रिलीज कर देती है तो ये हमारा एवोल्यूशन का टाइम है और यहाँ पे देखिए कि हमारी जो एनर्जी है वो पीक पे है यहाँ पर और फिर हमारी है ये लूटियल फ़ेज़ लूटियल फ़ेज़ में देखें एनर्जी में कितना वेरिएशन है यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है और धीरे धीरे ये कम होती जा रही है तो ये हमारी लूटियल फ़ेज़ है और लूटियल फ़ेज़ में हम धीरे धीरे हमारा जो फोकस है वो इन्वर्ट हमारे ऊपर होने लगता है हम अपने पे फोकस करते हैं है। हमसे जो इश्यूज़ एसोसिएटेड है उस पर फोकस करने लगते हैं तो लूटियल फ़ेज़ में क्या होता है कि अगर एग फर्टिलाइज़ हो गया तो ठीक है नहीं तो बॉडी उस एग को डिस्इिंटिग्रेट कर देती है यूट्रिस के लाइनिंग के साथ वो बॉडी शेड करती है और ये जो है ये देखें फिर नेक्स्ट मैंसेज़ की तैयारी होने लगती है तो अब मैं ईच जो फोर फेजेज़ हैं इनका जूम इन व्यू आपको दिखाती हूँ तो आपको समझने में थोड़ी सी हेल्प होगी और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आप इस टाइम को कैसे यूज़ कर सकते हैं आपको अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा अंडर मतलब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए तो ये हमारी है मंथली ब्लीडिंग का जो ब्लीडिंग है जब हम मासिक धर्म आ रहा होता है तो उस टाइम का जूम्ड इन व्यू है तो हमारी एनर्जी देखें यहाँ पे बहुत कम है और फिर धीरे धीरे एनर्जी जैसे जैसे डेज बढ़ते मतलब ज़्यादा हम साइकिल के मतलब ब्लीडिंग के साइकिल ख़त्म के पास होती है तो हमारी एनर्जी ऊपर जाने लगती है तो हमारी बॉडी में मैंस्ट्रेशन में क्या होता है मैंस्ट्रेशन में क्या होता है कि जब एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो हमारी बॉडी जो है वो एग को डिसइंटीग्रेट करके जो यूट्रस की लाइनिंग है जो पूरी मंथ में जो बिल्डअप हुआ था यूट्रस में उसको उसके साथ शेड कर देती है तो हमें ब्लीडिंग होती है तो ये मैस्ट्रिएशन है और हम मैंस्ट्रेशन के दौरान कैसा फील करते हैं मॉन्सट्रेशन के दौरान हम बहुत ही फ्रिजाइल हमारी बॉडी फील करती है हमारे जो पुराने एक एंड पेंस हैं वो हम फील करने लग जाते हैं हमारे जो दर्द हैं वो बढ़ जाते हैं और हम हमारा अगर आर्थराइटिस है तो आर्थराइटिस भी कई लोग बहुत महसूस करते हैं और कई लोग हेड भी महसूस करते हैं और इस समय हम थोड़ा फिटीक महसूस करते हैं तो और इस समय जैसे जैसे हमारी बॉडी क्लीन कर रही होती है जैसे वैसे वैसे हमारा कई वुमेन फील करती हैं कि जो स्लो एक्टिविटी स्लो पेस एक्टिविटी हैं जैसे घर को अपनी सराउंडिंग को जो मंडेन एक्टिव उनको करने का उनका मन करता है उसको क्लीन करने का उनका मन करता है लेकिन ये जो वुमेन टू वुमेन वेरी करता है और इवन वुमेन टू वुमेन आप ही की मतलब अगर आप अपने को ही लें तो हर मंथ आप डिफ़रेंट फील करेंगे तो ये ऐसा नहीं कि है कि like, uh, uh, like right? um, जरूरी है आप सेम ही जो एक्स एंड पेंस हैं वो सेम ही फील करें नेक्स्ट मंथ भी नहीं ये आप लाइक इवन इट डिपेंड्स फ्राम लाइक मंथ टू मंथ राइट इट वेरीज फ्राम मंथ टू मंथ और जो फर्स्ट कपल ऑफ डेज हैं यहाँ पे आप डीप इमोशंस फील कर सकते हैं और जो ये जो हमारी मैस्ट्रेशन साइकिल है वो प्री मैस्ट्रेशन साइकिल में इमोशंस बहुत शेयर करते हैं तो इसको मैं आपको आगे जाके इसको मोर डेप्थ में बताती हूँ तो यहाँ ये हमारी मेस्ट्रेशन साइकिल है तो मैं आपको क्या सजेस्ट करूँगी कि जब आपको ब्लीडिंग हो रहा है तो आप क्या करें आप अपनी बॉडी को लिसन करें तो कभी किसी मंथ अगर आप अच्छा फील करें तो इट्स ओके okay. अगर आपकी बॉडी रेस्ट uh, मांग रही है तो आप प्लीज़ थिंग्स को ईजी एंड स्लो लें अपनी बॉडी को लिसन करें तो आपकी बॉडी uh, मतलब गो विद द फ्लो डोंट फोर्स योर सेल्फ यू आर ब्लीडिंग राइट तो अब हम नेक्स्ट फेज़ में चाहते हैं वो है फलिकुलर फ़ेज़ एंड फलिकुलर फ़ेज़ क्या है कि फलिकुलर फेज़ में हमारी बॉडी में क्या होता है अब क्या होता है कि अब ये जो हमारी बॉडी ने जो होता है मैंसिस के दौरान ये क्लींस कर दिया अब नया एग यहाँ पे ग्रो हो रहा है देखिए एनर्जी जैसे जैसे एग ग्रो हो रहा है हमारी एनर्जी भी ग्रो एंड डेवलप हो रही है देखें ऊपर जा रही है हम एनर्जी और ये जो है एवोल्यूशन पे जाके हमारी एनर्जी पीक पे आ जाती है और हम कैसा फ़ील करते हैं फलिकुलर फ़ेज़ में जो हमारी एनर्जी है वो डे बाई डे फलिकुलर फ़ेज़ में डे फाइव टू जो फोर्टीन है फलिकुलर फ़ेज़ उसमें हमारी जो एनर्जी है धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाती है और आ, ल, और इस समय हम क्या कि मोर आउटगोइंग होते हैं हमारा फोकस मोर आउटसाइड वर्ल्ड पे होता है हम मोर एक्सप्रेसिव होते हैं हम मोर एंथुसियास्टिक होते हैं मोर एक्सपेंसिव होते हैं और हम इस फलिकुलर फेज में कैसे बेनिफिट कर सकते हैं कि इस टाइम को हम यूज़ करें कुछ नई चीज़ क्रिएट करने के लिए अपने को बिल्ड करने के लिए अपने को एक्सपेंड करने के लिए क्योंकि इस समय हमारे पास एनर्जी है इस समय हमारी एनर्जी ऊपर की तरफ जा रही है तो हम पे इस समय एनर्जी है वी आर हाई इन एनर्जी तो आप पे अगर जो भी आपको नई चीज़ें सीखनी आए तो इस समय सीख सकते हैं आप पे अगर कोई नए आइडियाज़ हैं आप उनको स्टार्ट कर सकते हैं न्यू न्यू प्रोजेक्ट्स को इस समय स्टार्ट कर सकते हैं न्यू वर्कआउट और जिम को स्टार्ट कर सकते हैं जिम स्टार्ट कर सकते हैं आप अपने हॉराइजन uh, को एक्सपेंड कर सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी को एक्सपेंड कर सकते हैं अपने आइडियाज़ को एक्सपेंड कर सकते हैं तो दिस इज़ द टाइम टू एक्सपेंड योर सेल्फ एक्सपैंड योर हॉराइजन एक्सप स्पेन योर आउटसाइड वर्ल्ड आप मोर आउटसाइड वर्ल्ड में मोर एंड मोर इन्वॉल्व होते हो फलिकुलर फेज में तो ये जो है हमारी फोलिकुलर फेज पिंक है तो देखें ये डे दे फाइव टू तो फोरटीन चलती है तो यहाँ पर अब जब हम पीक में हैं तो ये है एवोल्यूशन तो हम अब एवोल्यूशन में देखते हैं तो देखें एवोल्यूशन में हमारी एनर्जी देखें कि यहाँ पर पीक में हो जाती है एवोल्यूशन में और एवोल्यूशन में क्या होता है एवोल्यूशन में क्या होता है कि बॉडी जो रिलीज है वो ओवरी से रिलीज करके फेलोपियन ट्यूब में भेज देती है और जो फेलोपिन ट्यूब में जो एग है वहाँ पर 12 टू 24 फोर आवर्स रहता है और अगर वहाँ पे मेल स्पर्म एग्जिस्ट करता है फेलोपिन ट्यूब में तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो हो सकता है और प्रेगनेंसी हो सकती है आप कंसीव कर सकते हो तो ये जो है जो डेट जो हमारी बॉडी के डेट थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन होते हैं बहुत ही फ़र्टाइल डेज होते हैं इस समय जो हमारे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इस समय आप कंसीव कर सकते हो और इस समय क्या होता है कि लाइक like, डे 12 से ही बिगिन हो जाता है कि बॉडी जो डे 11 12 से जो है कि वो म्यूकस डिस्चार्ज होने लग जाता है हमारे बॉडी से और जब आप ओवोल्यूशन पे पहुंचते हो यहाँ पर पीक पे होते हो तो उस समय जो आपकी जो जो म्यूकस डिस्चार्ज होता है बॉडी से उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है जो उसकी थिकनेस होती है वो जो रॉ लग की तरह स्ट्रैची होती है वैसा म्यूकस होता है तो आपको पता चल जाता है कि आपका ओवोल्यूशन है वो और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा जो वो होता है वो थोड़ा जो डिस्चार्ज uh, वो थोड़ा कम होने लग जाता है तो ओवोल्यूशन पर क्या होता है कि जो आपका डिस्चार्ज हो रहा होता है वो लाइक रॉ लाइक रॉ एग लाइक कंसिस्टेंसी होती है तो आपको पता चल जाता है कि ये आपका एवोल्यूशन डे है और आप कैसा फ़ील करते हो एवोल्यूशन पे तो एवोल्यूशन पे जो आपकी मेंटल एंड इमोशनल क्रिएटिविटी है वो पीक पे होती है आपकी एनर्जी हाई है आपकी मेंटल एंड इमोशनल जो क्रिएटिविटी है वो पीक पे है आपकी एनर्जी पीक पर और यहाँ पर आपकी सेक्शुअल डिज़ायर भी पीक पर होती है तो और इस समय क्या होता है कि डज़न uh, मैटर कि आपकी आउटवर्ड अपेरेंस क्या है uh, आप अगर फीमेल हैं तो आप uh, को ज़्यादा अट्रैक्टिव uh, माना जाता है कि uh, मतलब ये जो स्टडीज़ एंड डन हुई हैं उससे माना उनके बेस पे कहा जाता है कि जो ऑपोजिट सेक्स है वो आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है जब आप ओवोलेट होते हो और डजन मैटर कि ये आप uh, मतलब आप आउटवर्ड आपकी अपेरेंस क्या है और कुछ वुमेन इस समय जब आपका डिस्चार्ज होता है अगर हैवी डिस्चार्ज हो रहा है तो कई वुमेन लोअर अपडावन में थोड़ा सा हैवीनेस फील करती हैं तो बट इट वेरीज फ्राम वीमन लाइक वुमेन टू वुमेन राइट और इस समय जो होते हैं कि इस समय हम ज़्यादा मोर रिलैक्स होते हैं मोर हैप्पी होते हैं मोर अपनी लाइफ से कंटेंट हैं uh, मतलब मोर सेटिस्फाइड हैं और इस समय हम मोर ओपन होते हैं रिसीव करने के लिए इस समय हम रिसीव मोड में हैं कि लव एंड केयर हम रिसीव करने के लिए ओपन है वी आर मोर मोर ओपन टू रिसीव लाइक कुछ भी हमारे लिए कोई कर रहा है तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो ओवलेशन के बाद हम जाते हैं लूटियल फेज में अब लूटियल फेज़ में क्या होता है लूटियल फेज़ जो क्योंकि बहुत ये फोर्टीन टू ट्वेंटी एट डेज़ की जो है फेज़ है तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं क्यों दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि आप एनर्जी देखें यहाँ से इसकी एनर्जी धीरे धीरे जा रही है और यहाँ पर जाकर काफ़ी नीचे हो जाती है तो इसमें जो हमारी जैसे जैसे एनर्जी डाउन जा रही है तो हम इमोशन uh, भी डिफरेंट डिफरेंट फील करते हैं उनकी इंटेंसिटी डिफरेंट होती है तो जो अब ये देखिए कि हमारी बॉडी में लुटियल फ़ेज़ में क्या होता है लूटियल फ़ेज़ में क्या होता है डे 14 टू 25 एग फर्टिलाइज़ होता है तो वो यूट्रेस में चला जाता है अगर एग फर्टिलाइज हो गया है और अगर डे 25 फाइव टू ट्वेंटी एट अगर एग फर्टिलाइज़ नहीं हुआ है तो जो हमारे हार्मोन चेंजेस बॉडी में होते हैं वो यूट्रेस को सिग्नल भेजते हैं कि एग को डिसइंटीग्रेट करके जो यूट्रेस की लाइनिंग है उसके साथ शेड कर दे और जो बॉडी है वो नेक्स्ट मैंसिस की नेक्स्ट पीरियड की तैयारी करने लगती थी देखें लूटियल फेज के बाद राइट वे मैंनेसिस शुरू हो जाते हैं अगर आपने कंसीव नहीं किया है तो ये आपकी फेज़ है तो हम देखते हैं कि अब हम लूटियल फ़ेज़ को डे फोर्टीन टू ट्वेंटी फाइव यहाँ तक मतलब आधा आधा डिवाइड मतलब मतलब आधा तो नहीं लेकिन चलें इसको डिवाइड कर देते हैं तो हमारी लूटियल फ़ेज़ में एनर्जी जो है वो ड्रॉप होने लगती है और हम क्या करते हैं कि हमारा जो जो ध्यान है वो बाहर की दुनिया से हट के अपने पे और अपने इश्यूज़ पे ज़्यादा हम फोकस होने लग जाते हैं हम थोड़े मूडी होने लग जाते हैं हम थोड़े जल्दी इरीटेटेड होने लग जाते हैं स्ट्रेस्ड होने लग जाते हैं और हम जो अपनी लाइफ से एसोसिएटेड इश्यूज़ हैं उन पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं बाहरी दुनिया से हमारा ध्यान हट जाता है और इस समय हमें पता लगने लगता है कि हमारी लाइफ में क्या काम कर रहा है क्या काम नहीं कर रहा है तो और उसके जो प्री मैंस्ट्रेशन जो फेज़ है जो कि डे 25 फ़ाइव टू ट्वेंटी एट है देखें डे 25 फाइव टू ट्वेंटी एट जो बिफोर मैं बिफ़ोर ब्लीडिंग की जो बिफोर मासिक धर्म की जो आपकी डेज़ हैं वो बहुत ही बहुत ही क्रूशियल हैं इस समय क्या होता है आपके इमोशंस बहुत इंटेंस होते हैं और डिफरेंट वीमेन डिफरेंट फील करती हैं लेकिन इंटेंसिटी ऑन एवरेज यहाँ पे इमोशंस की ज़्यादा होती है बिफोर मैंसेज uh, और कई वुमेन एनर्जी नीचे हो जाती है एनर्जी लो हो जाती है और कई वुमेन को लगता है उनको रोना आता है और उनको अलोन टाइम चाहिए होता है वो अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं वो बाहर से हट जाती है और उनका फ़ोकस अपने पे होता है उनको रोना आता है तो आपको अगर याद होगा तो कुछ ही दिन पहले मतलब दो वीक पहले शायद मैंने एक वीडियो बनाया था कि उसमें था कि फील लाइक क्राइंग तो उसमें मैंने था कि आई वॉज विद ग्रुप ऑफ़ फ्रेंड्स मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हम लोग कहीं घूमने गए थे लाइक एट नाइन फैमिलीज़ एंड आई वॉज वेरी हैप्पी बट जब शाम हो होकर जब अकेली थी तो आई वॉज जस्ट क्राइंग मैं जस्ट रो रही थी और विदाउट एनी रीजन तो उस समय तो मुझे समझ में नहीं आया लेकिन लेटर ऑन क्योंकि मैंने उसको लिखा था तो बाद में मुझे रियलाइज हुआ इट वॉज ड्यू टू प्री मैंस्ट्रेशन इमोशंस कि जो जो यहाँ पे इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाती है और आपकी जो जो आप अपने पेन से अपने फिज़िकल एंड इमोशनल पेन से ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो आप जो वर्ड का पेन है उससे ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो तो आपकी जो पेन की आप इन से इस टाइम पे ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो आप मोर इंटुटिव हो जाते हो और आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके मैसेजेस आप इस समय रिसीव करते हो तो कहा जाता है कि जो आपकी आप जो 5 हो फाइव परसेंट कॉन्शियस माइंड हो एंड नाइन्टी फाइव परसेंट आप अन लाइक सब कॉन्शियस माइंड हो तो सब कॉन्शियस क्या है कि अनअवेयरनेस की uh, जो आपका जो अवेयरनेस में नहीं है जो कॉन्शियस है वो अवेयर है राइट right? तो इस समय क्या होता है कि आपके सब कॉन्शियस माइंड से आपको मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं और आपको इस समय इनर नोइंग होती है आपकी जो साइकिक होती है साइकिक कैपेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर बढ़ सकती हैं और आपकी जो बॉडी है वो फ्रिजाइल फील कर सकते हो आपके जो पेंस एंड एक हैं कई बहुत पुराने जो पेंस एंड एक हैं वो आप इस समय फील कर सकते हो आपको अगर अर्था अर्थराइटिस तो इस समय ज़्यादा इंटेंस हो जाता है और आपको हेड फील हेडिक फील करती हैं तो यहाँ पर आपकी बॉडी काफी फ्रिज़ाइल हो जाती है तो मैं आपको बताती हूँ कि जो डेज 25 फाइव टू ट्वेंटी जो हमारे प्री मैं डेज हैं और जो ब्लीडिंग के डेज वन टू थ्री हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज हैं तो फ्यू डेज बिफोर द पीरियड और ड्यूरिंग द पीरियड एंड ड्यूरिंग द पीरियड आई वेडी सॉरी आई वॉज अबाउट टू स्नीज एक्सक्यूज मी तो वो जो है कि आ, हम उस समय क्या करते हैं कि जो डेज़ ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी एट और जो बिफोर ब्लीडिंग का टाइम है और जो ब्लीडिंग के पहले दिन हैं उसमें हम नेचुरली फील करते हैं कि हम आउटवर्ड जो एक्टिविटीज़ हैं उससे रिट्रीट कर लें और हम मोर इनर चले जाते हैं हम मोर रिफ़्लेक्टिव मोड में चले जाते हैं तो अगर आप टेरियन इमोशनल फील कर रहे हैं इमोशनल पेन फील कर रहे हैं तो प्लीज़ उसे इग्नोर नहीं करें क्योंकि जो भी आप इस समय इमोशन फ़ील कर रहे हो उसका कोई ना कोई मीनिंग है वो आपकी आपकी लाइफ के रियल इश्यूज़ हैं और वो आपके डीप विद इन से आ रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलते जाते हैं और ये जो भी हम फील करते हैं उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन इस समय अगर आपको कुछ भी फील हो रहा है तो प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट और क्योंकि इस समय आप बहुत ज़्यादा हाईली इंटिव होते हो और आपके जो भी एकस एंड पेंस अगर आप बॉडी में फील कर रहे हो तो इट मे कि मे बी दिस इज़ टाइम टू पे अटेंशन कि आपकी बॉडी आपको कॉल कर रही है कि आप उन पर अटेंशन करें उन चीज़ों को इग्नोर ना करें और अगर आपको इस समय कोई भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स आ रहे हैं उनकी तरफ भी ध्यान दें कि, कि आप अपने कुछ डिज़ायर्स को सप्रेस कर रहे हो तो ये उसका भी आप एक नोट लें और अगर आप नेचुरल इम्पैथ हैं तो नेचुरल इम्पैथ है तो इस समय वो जो नेचुरल इम्पैथ हैं वो जो है कि दूसरों के इमोशंस और दूसरे जो कलेक्टिव पेन है उनको उसको बहुत महसूस करते हैं तो एज इफ़ यू आर नेचुरल इम्पैथ यू आर अ नेचुरल लाइट वर्कर कि इस समय आप दूसरे के पेन के बारे में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो नेचुरली जो डार्कनेस है उसको कलेक्टिव से क्लियर कर रही है इस वट वर्क्स एज अ फिल्टर तो इस समय आप कुछ नहीं कर सकते तो मैं आपको बताती हूँ कि आप इस जो इस समय आपको जो मिल रहा है टाइम उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो और पुराने जमाने में आपको क्यों सम कल्चर्स में आपको अलग किया जाता था वुमेन को अलग किया जाता था कि वो कैसे इस पेश टाइम को यूज़ करते थे तो जो डेज जो प्री मैंसेज के पहले के दिन है और जो पीरियड के ड्यूरिंग के जो सम दिन हैं उसमें आप अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें और रेस्ट करें और रिफ्लेक्ट करें जो आपको मैसेजेस मिल रहे हैं उसको आप सुने और जो भी आपको लाइक स्लो डाउन करें और जो अभी आपको इमोशंस फील हो रहे हैं जो भी पेंस महसूस हो रहे हैं उनको ऑनर करें और जो भी आपको मतलब पेन अनकंफर्टेबल इश्यूज जो भी वरीज़ आ रही हैं उसको आप लिखें कहीं ना कहीं उसको मतलब पेन पेपर पर लिखें और जो भी अगर आपको डिज़ायर्स आ रही हैं क्रिएटिव आइडियाज़ आ रहे हैं उन सबको लिखें कि इस समय आप पे प्रब्ली इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप इन पर एक्ट कर सकें लेकिन आप इन सबको लिखें कि लेटर ऑन जब आप फर्लिकुलर फ़ेज़ में हैं जब आपकी एनर्जी ऊपर जा रही है जब आप एनर्जी है तो आप इन चीज़ों पे एक्ट कर सकें तो इस समय आपको जैसा भी फील हो रहा है जो भी आपके आइडियाज़ आ रहे हैं जो भी डिज़ायर्स आ रही हैं जो भी पेंस एंड इमोशंस आ रहे हैं उन सबको आप लिखें और आप इस टाइम पर अपने मूड कैसे बूस्ट कर सकते हैं तो बूट बूस्ट कैसे कर सकते हैं कि आप लाइक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज लाइक हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वेट लिफ्टिंग तो uh, अगर आप नहीं फील कर रहे हैं तो ना करें और आप लेकिन एक्सरसाइज करते रहें वॉक करते नेचर वॉक्स करते रहें हेल्थी खाएं पानी पिए इनफ इनफ सोएं और जो आपका कैफीन और या कॉफ़ी या चाय या अल्कोहल का कंजप्शन है उसको रिड्यूस कर दें और अपना जो मैग्नीशियम है उसको बढ़ा दें और हर्बल टीज भी आप पी सकते हो तो जो आपके जो हमारे रेगुलर मूड बूस्टर्स हैं उसको आप यूज़ कर सकते हो तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आई एम फोर्टी एट तो मुझे लगता है कि अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं उसको ज़्यादा यूज़ uh, कर सकती थी इस इंफॉर्मेशन को इट वुड बी बिग हेल्प लेकिन अभी भी मैंने मतलब आई फाइंड इट रियली फैसिनेटिंग कि क्या होता है कि आपकी जब लाइफ चलती है तो आप इतने बिजी होते हैं कि इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देते हो अगर आपको अनटिल कोई पॉइंट करे मैंने मैंस्ट्रेशन साइकिल की विजडम को समझने के लिए और अपने को अंडरस्टैंड के लिए करने के लिए अपने इमोशंस को समझने के लिए एक डॉलर स्टोर से मैंने कैलेंडर लिया है और इसमें हर मंथ का कैलेंडर आप कोई भी कैलेंडर यूज़ कर सकते हो अपनी मेस्ट्रेशन साइकिल को ट्रैक करने के लिए तो इसमें मैंने फुल मून एंड न्यू मून पूरे ईयर में ईयर का मार्क कर दिया है और फिर वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि न्यू मून एंड फुल मून हमारे मूड्स को कैसे अफेक्ट कर सकता है और यहाँ पे मैंने जब जो मेरा सॉरी लाइट का ग्लेयर जो भी मतलब जब भी फर्स्ट डे ऑफ पीरियड था उसको मैंने मार्क किया है एंड एवोल्यूशन कब हुआ उसको मार्क किया है और अगर uh, किसी दिन मुझे लाइक uh, like इसमें हर में इसमें आगे ये भी देर का हर डे का भी है तो अगर मैं किसी दिन इंटेंस इमोशंस फील कर रही हूँ तो उसको भी मैं uh, लिखती हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ और एवरीडे नहीं जब भी मुझे ज़्यादा फील हो रहा है कुछ डिफरेंट फील हो रहा है तो उसको मैं जाके तो जैसे यहाँ पर इस डे पे जैसे जब भी मुझे कुछ फील हो रहा है तो उसको मैं लिख रही हूँ तो ये मुझे हेल्प कर रहा है अपने को समझने में तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भी आ, मतलब किसी भी तरीके से आप अगर फ़ोन की ऐप में कर रहे हैं दे एप्स अवेलेबल तो उसमें आप अपनी साइकिल को ट्री ट्रैक कर सकते हो अपने किस टाइम आपको ब्लीडिंग हुआ है कब ओवल्यूशन हुआ है तो वो आपको और कब आपका प्री मैंस्ट्रल टाइम है तो वो आपको आपके इमोशन समझने में हेल्प करेगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मून साइकिल शेयर करूंगी तो एंड आई लव यू लोड्स एंड आई एम सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव एंड अब एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय